ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन में मानव भारती विश्वविद्यालय में रेड का आज सातवां दिन है। इस रेड में फर्जी डिग्रियां बेचने का खुलासा हुआ है। मानव भारती विश्वविद्यालय के गोरख धंधे के तार हिमाचल के विभिन्न जिलों के अलावा राजस्थान से भी जुड़े हुए थे। एसपी सोलन अभिषेक यादव की अध्यक्षता में एसआईटी दिन रात विश्वविद्यालय में फर्जी डिग्रियों और उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच कर रही है, जिसमे ज्यादातर उत्तर पुस्तिकाएं खाली है जिनके आधार पर डिग्री दे दी गई है। यही नहीं, ऐसे भी कई कोर्स थे जिन्हें अब मान्यता प्राप्त नहीं है। उनकी भी खाली डिग्रियां भारी मात्रा में विश्वविद्यालय में मिली हैं, जिनके आधार पर दो कर्मचारियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। सोलन में मानव भारती विश्वविद्यालय में रेड का आज सातवां दिन है। इस रेड में फर्जी डिग्रियां बेचने का खुलासा हुआ है। मानव भारती विश्वविद्यालय के गोरख धंधे के तार हिमाचल के विभिन्न जिलों के अलावा राजस्थान से भी जुड़े हुए थे। एसपी सोलन अभिषेक यादव की अध्यक्षता में एसआईटी दिन रात विश्वविद्यालय में फर्जी डिग्रियां और उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर रही है, जिसमें ज्यादातर उत्तर पुस्तिकाएं खाली हैं जिनके आधार पर डिग्री दे दी गई है। यही नहीं, ऐसे भी कई कोर्स थे जिन्हें अब मान्यता प्राप्त नहीं है। उनकी भी खाली डिग्रियां भारी मात्रा में विश्वविद्यालय में मिली हैं, जिनके आधार पर दो कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों ने अन्य राज्यों और जिलों में फैले विश्वविद्यालय के नेटवर्क के बारे में पुलिस को जानकारी दी, जहां पुलिस ने रेड कर फेक डिग्रियों के साथ साथ फर्जीवाड़े से जुड़े कई अहम सबूत हासिल किए। अधिक जानकारी देते हुए एसपी अभिषेक यादव ने बताया कि उनके द्वारा मानव भारती डिग्री फर्जीवाड़े को लेकर राजस्थान की माधव यूनिवर्सिटी पर रेड की गई, जहां से कई खाली फर्जी डिग्रियां और कुछ मोहरें मिली हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा हिमाचल में भी धर्मशाला में भी उनकी टीम ने रेड की है, जिसमें अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अभी तक मानव भारती के दो कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी उनकी जाँच जारी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जल्द और भी खुलासे हो सकते हैं। तो ये मानव भारती में फेक डिग्री को लेके जो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसमें मानव भारती यूनिवर्सिटी में हमने रेड करके यहाँ से काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हार्ड डिस्क वगैरह सील किया है। इस संदर्भ में दो गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं और ऐसी हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि माधव यूनिवर्सिटी में भी फेक डिग्री के केस से रिलेटेड कुछ हमें अहम दस्तावेज, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ सिस्टम्स मिल सकते हैं। उस संदर्भ में हमने माधव यूनिवर्सिटी माउंट आबू में भी रेड की, जिसमें हमें काफ़ी अहम दस्तावेज मिले हैं, जिनमें कुछ सिस्टम्स हैं, कुछ ब्लैंक डिग्रीज हैं, कुछ ब्लैंक डीएमसीज हैं और भी रजिस्टर्स वगैरह हैं। इसके अलावा धर्मशाला में भी हमने एक इंस्टीट्यूट में रेड की, हमें इन्फॉर्मेशन थी कि वहाँ से भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन भी जारी है और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनती होगी वो आगे भी की जाएगी। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम। कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।